আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। हजरात, आपका ये जीता जागता मजमा और मशायखे इज़ाम, खुतबाए अहले सुन्नत, शायर अहले सुन्नत, सारे हजरात की खूब खूब आमद है। 15 से 20 मिनट के लिए ये खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर आया। इस स्टेज पर काफ़ी हजरत लोग मौजूद हैं, लेकिन इनमें जो सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं, हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़हीरुद्दीन मिसबाही साहब क़िबला। हजरा, हमसे जुड़ने के लिए यूट्यूब पर थोड़ी देर बरकाती नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। बोलिए सुभान अल्लाह, स्टेज ही से शुरू हो जाए। बोलिए सुभान अल्लाह। हमारे महबूब गौहर, पूरी दुनिया इनको जानती है, जानने वाले को तो हर एक सलाम करता है। अरे मेरे जैसे को ना जानने वाले को सलाम करो भाई, सलाम वालेकुम। जब मैं इनको बसतपुर की सरजमीन पर 15 साल पहले बुलाया था, तो 12-13 जनरेटर मैंने लगवाया था। अब बताइए वो कितना बड़ा जलसा रहा होगा। आप तैयार हैं? बोलिए या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने माँ बाप के नाम पर एक बार और बोलो मुस्कुरा कर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, एक शेर मैं पढ़ता हूँ और उसी से शुरू हो जाता है, क्योंकि सरकार की नात, ये नात पढ़ना इबादत है। बोलिए ना, एक बार और बोले सुभान अल्लाह। रहमत का मदीने में बरसना देखेंगे। थोड़ा साथ दीजिए, 15 से 20 मिनट की बात है। रहमत का मदीने में बरसना देखेंगे, रहमत का मदीने में बरसना देखेंगे। अरे बुलवाएंगे जब सरकार मदीना देखेंगे। हे प्रतिपालक, सुरक्षा करो अवैध दुष्ट शक्ति से, जो पुण्य का नाश करता है और पाप का आदेश करता है। महाकृपालु के नाम से आरंभ करता हूँ, जो सर्वश्रेष्ठ अति दयावान है। समस्त प्रशंसा महाजगदीश्वर के लिए, जो यश का कर्तार है। वही परम पूज्य निरंजन निराकार है, जो सबका स्वामी एक ओंकार है। देख रहे हैं? बोलिए ना सुभान अल्लाह।
ये किसी और की बात नहीं, रब्बे जुल जलाल की बात हो रही है। मुस्कुरा करके बोलो बेला के सुन्नी मुसलमानों, गिरदो नवाज से आए हुए मेरे सुन्नी भाइयों, जरा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं मेरे दोस्तों मैं अब शुरू हो चुका हूँ, आप जिस मकसद के लिए आपने जमीरुद्दीन अमजदी चतुर्वेदी को बुलाया उस मकसद का हल होना जरूरी है। अब जरा सा आपको मैं जहाँ ले जा रहा हूँ आप वहाँ पहुँचने की कोशिश करें। पहले तर्जमा सुन लीजिए, अल्लाह पाक ने कलामे बलीग में यानी पाक पवित्र किताब धार्मिक पुस्तक जो है वो कुरान, जिसे पूरी कायनात कुरान के नाम से जानती पहचानती है, अल्लाह पाक ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ लोगो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये कौन कह रहा है? ये रब्बे जुल जलाल कह रहा है, ये रब्बे काबा कह रहा है। सारी कायनात का रचयिता, सारी कायनात को खिलाने पिलाने वाला वो रब्बुल आलमीन कह रहा है कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। ऐ लोगो ये कुरान की बात हुई, रब्बे रहमान की बात हुई, अब आ जाओ बेदो कुरान की बात हो जाए। यार इसे सुनो, पीछे वाले भी हाथ उठाएं, बोले या रसूल अल्लाह। पीछे वाले भी हाथ उठा दिए सारे लोग। अब उलमाए कराम आपकी मोहब्बत का तालिब हूँ प्यारे, जरा सा सपोर्ट कीजिए ताकि अल्लाह पाक हमें भी कामयाब कर दे, आपको भी कामयाब कर दे। जरा मुस्कुराओ एक बार और बोलो या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों अल्लाह ने फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह, वेदो पुराण क्या कह रहा है, कल की पुराण क्या कह रहा है, रामचरितमानस क्या कह रहा है, ये सारी बातें होंगी। लेकिन मेरे दोस्तों 20 मिनट के अंदर जो कुछ भी मैं कहना चाहूंगा इंशाल्लाह कहकर जाऊंगा। जरा मुस्कुराओ एक शेर सुनो बोलो सुभान अल्लाह। सुंदर मुखड़ा कमल मुस्काए, सुंदर मुखड़ा कमल मुस्काए, अरे नाम मोहम्मद जग जग छाई। लोगो मेरे दोस्तों आओ प्यारे, मैं आपको बता दूं वेदो पुराण तेरे आका के तल्लुक से, तेरे मौला के तल्लुक से, सारी कायनात के महबूब के तल्लुक से, अल्लाह के महबूब के तल्लुक से क्या जो है बयान किया जाता है वेदो पुराण की बोली में। मैं आपको यारो मैं आपसे ज्यादा जल्दी में हूँ, मैं जल्दी से अपनी बात को पूरी करके यहाँ रुखसत होने की कोशिश करूंगा। ओ मौतारनी आरत पुण्यतम पृथ्वी मध्यारनी सकबारतम बलवनति स्वानम तेज बहादम सर्व उन्नमा महापुरुषम पुरुषोवतम संभले स्थानम गिरह विष्णु सुमित या गर्मादतम पृथ्वी पाल बरहारम ककरगर हरत तबूसियतम परम परागत कर्मातम। ऐ लोगो ये मैं नहीं, ये वेदो पुराण बोलता है। और प्यारे इसका ट्रांसलेशन इसका तर्जमा आपको उर्दू में आपको सुनाने से पहले जरा सा 2 मिनट की तकरीर सुनो, जरा बोलो सुभान अल्लाह। 2 मिनट की तकरीर हो रही है। ऐ लोगो दुनिया का दस्तूर ये है कि वो किसी न किसी से प्यार करता है, दुनिया वालों का दस्तूर ये है कि वो किसी न किसी से प्रेम करता है, दुनिया वालों का दस्तूर ये है वो किसी न किसी से मोहब्बत करता है। ऐ लोगो कोई कलमकार से मोहब्बत करता है, ऐ लोगो कोई जो है मेरे दोस्तों कोई जो है राइटर से मोहब्बत करता है, कोई टीचर से मोहब्बत करता है, कोई मंत्री से मोहब्बत करता है, कोई नेता से मोहब्बत करता है, कोई मेरे दोस्तों बहुत बड़ा जो है प्रोफेसर से मोहब्बत करता है, कोई जो है मेरे दोस्तों पायलट से मोहब्बत करता है, कोई मेरे दोस्तों अपने से आला और खूबसूरत इंसान से मोहब्बत करता है। ये दुनिया वालों का दस्तूर है मेरे दोस्तों कि वो मोहब्बत करता है। मेरे दोस्तों मोहब्बत कर रहा है लेकिन किसी दुनियादार से मोहब्बत करता है। लेकिन प्यारे अगर कोई राइटर से मोहब्बत करता है तो ये कोई जरूरत नहीं, जरूरी नहीं है कि वो राइटर उसे जानता भी हो, उसे मानता भी हो। अगर कोई कलमकार से मोहब्बत करता है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो कलमकार उसे जानता भी हो, उसे मानता भी हो। कोई जो है मेरे दोस्तों फनकार से मोहब्बत करता है, कोई जो है एक्टर से मोहब्बत करता है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो एक्टर उसे
जानता भी हो, उसे मानता भी हो, कोई मंत्री से मोहब्बत करता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो मंत्री उसे जानता भी हो, वो मानता भी हो, लेकिन कुर्बान जाओ आमना के लाल पर, कुर्बान जाओ आमना के राज दुलारे पर, कुर्बान जाओ फातिमा की अब्बा जान पर। कसम खुदा की बेला के सुन्नी मुसलमानों, जिन जिन लोगों ने मुस्तफा से प्रेम किया, जिन जिन लोगों ने मुस्तफा से मोहब्बत किया, कसम खुदा की मुस्तफा जाने रहमत उसे जानते भी हैं, उसे मानते भी हैं। इसीलिए तो बरेली की टूटी चटाई से इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, अरे उन्हें जाना उन्हें माना, नारा का गैर से काम, लिल्लाहि الحمد में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। प्रेम करो लेकिन किसी दुनियादार से नहीं, अहमद मुख्तार से करो, जिनसे पूरी दुनिया मोहब्बत कर रही है, जिनसे खुदा खुद मोहब्बत फरमा रहा है। रब फरमाता है ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद, महबूब तेरे शहर की कसम, क्या वजह है अगर इधर जाया जाए तो बात और बढ़ जाएगी, टाइम मेरा शॉर्ट है, इसीलिए प्यारे मेरे दोस्तों मैं अपनी बात को रख दूं। अल्लाहु अकबर वेदो पुराण में जो कहा गया कि जो है ओम अवतारनी आरत पुण्यतम विधि मर्दी आरनी सकबारतम बलवन स्वानम तेज बहादम सर्व उन्नमा महापुरुषम पुरुषोवतम संभले स्थानम गृह विष्णु सुमित या गर्मादतम पाल बरहारम ककर घर हरत तबूसियतम परंपरागत परमातम। ऐ लोगों मेरे दोस्तों कहा गया कि ईश्वर के तरफ से धरती के बीचों बीच में अवतार अवतरित लेंगे, प्रगट लेंगे, धरती के बीचों बीच में आएंगे। ऐ लोगों यही बात तुलसीदास जी ने अपने जो है चौपाई में रामचरितमानस में कहा कि मेरे दोस्तों आप जरा मुस्कुरा के एक बार बोलिए सुभान अल्लाह, तो मैं आपको सुना दूं। जरा एक बार हाथ के बोलिए या रसूल अल्लाह, यहाँ न पखच पात कचरा को वेद पुराण सतत मत बाचो संवत विक्रम दोई अंगारा महाकोक नस चतुर घारा राजनीति भव परत दिखावे आपन मत सबका समझावे स्वर्ण चती सुधर सतचारी तिनको बंस भयाति भारी तब तक सुंदरम मादी कुए बिना मोहम्मद पार न होए तब से मान हो जंतु भिकारी समरत नाम यही वर्तधारी तब तक सुंदरम मादी कोए बिना मोहम्मद पार न होए बरस दस दस सुंदरम होए जही के बाद न पावे कोई निगम उगम सुई तेज अपारा अपनी अबा अनमिटे मझारा बिना आचार विचारो हनीसा भजो नाम पर मिटे कलीसा तब हर मान न माने कोई बिन दुई गुरु जग ज्ञान होई तुलसी भजन भजत सत गोई अरे बिना मोहम्मद पार न होई। ए लोगो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम को मेरे दोस्तों वेदो पुराण संस्कृत की जबान में मैंने समझाने के लिए आपको ये अश्लोक और ये मैंने आपको जो है मेरे दोस्तों दोहा सुनाया। अब जो है जाग जाओ प्यारे, मैं आपको जो है पहुंचा दूं। बस दो चार मिनट के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करता हूँ। कहा गया कि ईश्वर के तरफ से धरती के बीचों बीच में अवतार अवतरित होंगे, प्रगट लेंगे, जन्म जो है होगा उनका जो है जन्म होगा। ऐ लोगों धरती का बीचों बीच आपको सबको मालूम है मेरे दोस्तों मक्का है, मक्का की सरजमीन धरती का बीचों बीच है, इसकी निशानदेही यूं किया गया मेरे दोस्तों देश अरब भड़क लता सोहा आई सुथल भों
में सुनो गत खखराई। वो ऐसी भूमि में पधारेंगे जहाँ कंकर ही कंकर होगा, जहाँ पत्थर ही पत्थर होंगे, जहाँ खजूरों के बागात होंगे, चटियल मैदान होगा। महबूब आ गए, सारी कायनात का दूल्हा आ गया, रब का महबूब आ गया, मक्का की धरती पर आ गया। महबूब जो है लोगों से कहने लगे, ऐ लोगों वही पूजनीय है, खुदा एक है, उसके अलावा किसी की जो है इबादत जायज नहीं है, उसी के अलावा उसके अलावा किसी की पूजा नहीं होनी चाहिए। ऐ लोगों उतबा अकड़ गया, शैबा अकड़ गया, अबू जहल अकड़ गया। ऐ लोगों अबू बकर दामने इस्लाम में आ गए, उमर दामने इस्लाम में आ गए, उस्मान दामने इस्लाम में आ गए, अली दामने इस्लाम में आ गए। मेरे आका ने दावत ज़ुलआशीरा पेश किया, लोगों को खाना खिलाया, और खाना खिलाने के बाद कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ लोगों कन्फ्यूजियां होने लगी, लोग कान में बात करने लगे, एक दूसरे से कहने लगे, क्या मोहम्मद मुझे इसीलिए बुलाया है कि मैं उनको खुदा का रसूल मान लो? ऐ लोगों महबूबे पाक हैं, साहबे लौलाक हैं, सैयारे अफलाक हैं, रब की बारगाह में अर्ज किया मौला यहाँ तो तुझे कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। रब ने फरमाया मेरे महबूब कोई माने या ना माने, तू मुझे मान, मैं तुझे मानू, तू मुझे खबीर कहे, मैं तुझे बशीर कहूँ, अरे तू मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह का, मैं तुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे महबूब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, मैं तुझे मानू, तू मुझे खबीर कहे। ऐ लोगों मेरे दोस्तों जरा बोले ना, अरे भाई टाइम मेरा कम है इसलिए मैं तेजी में बोल रहा हूँ, टाइम खत्म हो गया है, बोलिए ना, बोलिए एक बार और। के सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म मत छोड़। सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म मत छोड़। जिसने की है जग की रचना, उसे नाता जोड़। जिसने की है जग की रचना, उसे नाता जोड़। बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। ये जग से बन की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल। छोड़ दे, बोलिए सुभान अल्लाह। आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि 628 विक्रमी में पैदा होंगे, माँ का नाम सोमवती होगा, जिसका अरबी तर्जमा करने से ऐ लोगो आमना होता है। बाप का नाम विष्णुवेश होगा, जिसका अरबी तर्जमा करने से अब्दुल्ला होता है। ऐ लोगो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालेही वसल्लम की हुकूमत पूरी कायनात में फैल जाएगी, मुहम्मद के बगैर किसी की निजात नहीं होगी। तुलसी जो कह रहा है वो सत और सच कह रहा है। ऐ लोगों मेरे दोस्तों, रसूलुल्लाह के बारे में ये कहा गया कि मक्का की धरती पे वो पधारेंगे, मक्का की भूमि में वो आएंगे। अल्लाह अकबर, आ गए महबूब, सारी कायनात का तबीब आ गया है, अल्लाह का महबूब आ गया है। ऐसा महबूब कसम खुदा की, ऐ लोगों न तो महबूब के तलवों का जवाब है, न तो महबूब के जलवों का जवाब है, न तो महबूब के दंदान का जवाब है, न तो महबूब के खानदान का जवाब है, अरे न तो महबूब के सीने का जवाब है, न तो महबूब के मदीने का जवाब है। ऐसा महबूब मेरे दोस्तों, ऐसा महबूब। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब आओ प्यारे मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम मक्का की धरती पे पधारे, ये कुरान कह रहा है, वेदो पुराण भी कह रहा है। ऐ लोगों, सारी कायनात का जगदाता आ गया, मक्का की धरती पर आ गया, और मैंने
आपको ये भी बताया कि ऐसी भूमि में पधारेंगे जहाँ कंकर ही कंकर होंगे, जहाँ पत्थर ही पत्थर होंगे, जहाँ खजूरों के बागात होंगे, चटियल मैदान होगा। अब प्यारे मेरे दोस्तों, सारी कायनात महबूब से मोहब्बत कर रहा है, सारी कायनात महबूब से अकीदत रख रहा है, उनसियत रख रहा है। ऐसा महबूब मेरे दोस्तों, मैंने आपको एक जुमला ये दिया कि मोहब्बत करो लेकिन किसी दुनियादार से नहीं, नबियों के मुख्तार से मोहब्बत करो, सरदारे अंबिया से मोहब्बत करो, कुल कायनात के महबूब से मोहब्बत करो, जिससे महबूब, जिस महबूब से खुद खुदा मोहब्बत फरमा रहा है। ऐ लोगों मोहब्बत करो, खूब दिल खोल करके मोहब्बत करो, ऐसी मोहब्बत करो, ऐसी मोहब्बत करो जैसी मोहब्बत मेरे दोस्तों अबू बकर ने किया तो सदाकत के बादशाह बने, उमर ने किया तो अदालत के बादशाह बने। ऐसी मोहब्बत फरमा रहे हैं उस्माने ज़ुन्नूरैन के सहाबत के बादशाह बने, मौला अली ने जब मोहब्बत किया है दरे करार शेरे खुदा बना दिए गए। करबला की सरजमीन पर मेरे दोस्तों मोहब्बत करने वाली के ऐसी शख्सियत है, कसम खुदा की मेरे दोस्तों क्या कहा कि मौला ये हुसैन जिन्होंने अपने पूरे कुंबा को और जो है अपने साथियों के लेकर इस सरजमीन पर आया है, मौला ये हुसैन, ये हुसैन और ये अकबर तेरे नाम दे रहा है, असगर को तेरे नाम दे रहा है, अनु मोहम्मद को तेरे नाम दे रहा है, अब्दुल्ला कलबी को तेरे नाम दे रहा है। मौला सारे कुंबा कबीला को हुसैन तेरे नाम दे रहा है, मेरे मौला अब ये हुसैन भी तेरे नबी के नाम पर अब जो है अपने आप को कुर्बानी पेश कर रहा है। तो गैर से आवाज आई, मेरे हुसैन तूने अकबर मेरे नाम कर दिया, असगर तूने मेरे नाम कर दिया, कासिम की जवानी तूने मेरे नाम कर दिया, अब्दुल्ला कलबी को तूने मेरे नाम कर दिया, बहत्तर नफूसे कुदसिया को हुसैन जब तूने मेरे नाम कर दिया, अब मेरे नाम पर तू अपनी जान की कुर्बानी दे रहा है। तो मेरे हुसैन जब तूने सब कुछ मेरे नाम कर दिया तो हुसैन मैंने अपनी जन्नत तेरे नाम कर दिया, मेरे हुसैन ये मोहब्बत जज्बा है मेरे दोस्तों, ये मोहब्बत रसूल का मेरे दोस्तों जज्बा है, मोहब्बत है, प्रेम करो अपने आका से, मोहब्बत करो अपने आका से। बस एक शेर से शुरू किया था और एक शेर पे खत्म, जरा मुस्कुरा के बोलिए ना सुभान अल्लाह। तोहरी सुरतिया मन बहलाए देख के चंदर मा शर्माए, चल से उन कर रहिया महके खुशबू जैसन दहिया गम के, सारा जग तोरे से चमके दर्शन को जियरा ललचाए, देख के चंदर मा शर्माए।